पता है कैसा है ना, भुला के अपनी रंजिशें कर दो अपना दिल साफ, भुला कि भुला के अपनी रंजिशें कर दो अपना दिल साफ, तोहफे एक दूसरे को देके कर दो तुम अपने आप को रब का खास। Hi guys, this is Mac Psychologist and I want to acknowledge you about this concept of Mac gift. Guys, मैं जो थेरेपी देता हूँ मजीद उसमें अनगिनत मसले मसाइलों के ऊपर अपन बात करने की कोशिश करते हैं। इनमें से एक मसला ये है कि मेरी कोशिश रहती है कि उनको मैं इस बात के लिए मुतासर यानी कि इंस्पायर करूं कि एक दूसरे को तोहफे दो, क्योंकि तोहफे दो इंसान के दरमियान जो दूरी होती है उसको कम करने में बड़ी कारगर चीज होती है। और ये जो मैक गिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो दरअसल उसी से इंस्पायर है, क्योंकि मेरी ये कोशिश रहती है कि आई प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच। मैं नॉर्मल जिंदगी में भी इस सुन्नत की अदायगी करने की कोशिश करता हूं, तो मैंने सोचा कि अब ये मैक गिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट लेकर आया जाए जिसमें मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट अपने क्लाइंट्स को इस तरीके के तोहफे दूंगा। मे बी वो किताब हो सकती है, कोई चिड़िया का घर हो सकता है, कोई गुल्लक हो सकती है, या फिर मजीद कुछ और। By putting a line between fees available and obviously by keeping this point in my mind, sunnat can be way of sadqa jariya. So guys, that's all about Mac gift. Looking forward to give you gifts, guys. Or the basic objective of this ki meri ye koshish hai ki aap apne mental health ke upar kaam kare aur ye cheez agar aapko inspire kare, motivate kare, mutasir kare, to mere liye bade ehsaas ki baat. So that's all from my side. With love, Mac Psychologist. Believe in the process. Thank you. Astaghfirullah wa atubu ilayhi.